खेती वो खसम सिर ते होवे ते बीज बीजे जांदे, नहीं तो उजड़ जांदे। खेती जिन की उजड़े, जिन्हां दी खेती उजड़े, खलवाड़े की लगन लगे उत्थे। ये पुण जिहड़े ने साध संगत जी, इन्हां नूं बीज लवो जिन्ने बीज सकदे जी। गुरु साहब ने तो बड़ो बड़ा समा पहलों 500 साल पहलों ही होका देना शुरू करता कि हुण तां कम नाम ते ही रहना है, हुण होर कोई चीज़ चलनी नहीं, किसे तरह की भी कोई चीज़ नहीं चलनी। चलेगा केवल नाम ही, कर्म धर्म, कर्म बड़े आ धर्म बड़े आ। जे कि पखंड दिस पिया तो कलयुग ने लुट के लै जाने, धर्म भी तो कर्म भी जिन्हें को किते आ, जे उन्हां च पखंड बढ़ गया। कर्म धर्म पखंड जो दिसे तिन जम जगाती लुटे, जमानू दिसण दी देर है कि इन्हें भाई कर्म ते धर्म च पखंड बाड़ लिया, वो लुट के लै जाएंगे। निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमुख सिमरत जित छूटे, बाबा जी ने पैरा दिता धन बाबा आनंद सिंह जी ने, इत्थे आण के पैरा दिता। जे बाबा जी कार सेवा वाले महापुरशां कोल भी आए ना, बाबा आनंद सिंह जी ते बाबा गुरमुख सिंह जी, कहिंदे जी सेवा दे चा बड़े आ, सेवा करन दा शौक बहुत है। डेरा साहब सेवा कराई, ननकाणा साहब इत्थे अमृतसर भी कमेटी बहुत अड़चन पाउंदी, होर बड़े अड़के पैंदे आ, पर सेवा करन दा चा बहुत है। गुरधामां दी सेवा करिए। बाबा जी ने, बाबा आनंद सिंह जी महाराज नाले गोश्त होई, साधुआ संता महापुरखां दी गोश्त विचों कोई लभदा है? दुनिया दी गोश्त अंधा धुंदे बहस है, महापुरख दोनों पासे मनण वाले आ। जिहड़े गोश्त कर रहे ने साधु, वो दोनों ही मनण वाले आ, ना मानू विच कोई भी नहीं। जिथे सारे मनण वाले आ ना, उत्थे फिर गोष्ठ ज्ञान नाम सुनुदरे, जिन जिन दर्शन पाया सारिया का ही उदार होंदा है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहन लगे, कलयुग का समा है बाबा जी, कलयुग का समा है। संत गुरमुख सिंह जी कहिंदे जी सेवा करन दी बड़ी इच्छा है कि सारे दरबार साहब ते जिन्नी परिक्रमा ने, जिन्ने बुंगे ने, जिन्ने स्थान ने, गुरु साहब जिथे जिथे चरण धरे आ, सेवा करन दा बड़ा शौक है, पर अड़के बहुत है कमेटियां वालों, लोकां वालों। कई सहयोग देने की बजाय अड़का पाउंदे, अड़चन पाउंदे आ। बाबा आनंद सिंह जी कहिंदे, महापुरशो कलयुगे आखो श्री वाहे। तो बाबा गुरमुख सिंह जी कहिंदे जी जे कलयुग ते फिर की कीता जाए? बाबा आनंद सिंह जी कहिंदे नाल नाम जपया जाए आखो सी। जे कार सेवा चलाउणी है ना, गुरद्वारे बनाउणे आ, ते चला दिओ नाल सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, नाम वाहिगुरु, सत नाम वाहेगुरु, सत नाम वाहेगुरु, सत नाम वाहेगुरु, सत नाम वाहेगुरु, सत नाम वाहेगुरु,
कहिंदे काम किवें पूरे होण, किन्ना कुछ पाया जाए। सवेरे उठ के संगतां नाम जप लैणगियां, शामां नूं जप लैणगियां। गोश्त हो रही महापुरखां दी, कहिंदे सतगुरु तां कहिंदे ने उठत बैठत सोवत नाम, कौ नानक जन के सदकाम। सवेरे उठदे भी एक बारी नाम दा रट्टा लाओ, सौण वेले भी लाओ, ते सेवा करदियां भी लाओ। नाल कार सेवा दी टोकरी चलदी रहे, नाल सतनाम वाहिगुरु चलदा रहे। गोश्त होई महापुरशां च, कहिंदे ने एक सिख दोए साध संग पंजी परमेश्वर। जे दो बख्शियां रूहां बह जाणा ते साध संगत बन जाती है, गुरु की कृपा आ जाती विच। उस भी उस विचार चो निकलता है कुछ, जे बख्शियां रूहां होण। बाबा गुरमुख सिंह जी भी कमाइया वाले, बाबा आनंद सिंह जी का वो सी जेड़े केवल ते केवल नाम दे ही व्यापारी सी, दूजा व्यापार ही नहीं किया कोई। जे कोई पोथियां लिया, जे इत्थे पढ़ाइया का कम कुछ करिए, बाबा जी कहिंदे नाम तो वड्डी कोई शै नहीं, सब तो वड्डा नाम है। ये सारा कुछ नाम च ही आ जाएगा। बाबा जी स्थान बना दिए, बाबा जी कहिंदे की करांगे, शरीर नहीं रहने। ओही झुग्गियां झोंपड़ियां रखियां ते पहरा रखिया। दास सन 71 दे विच नानक सर गया है। उस समय ये पोजीशन सी, हत्थां दे प्रशादा ते पानी टूटी तो या नलके तो पीना। जेड़ा जिन्ना कड़ा खीर चौल मिठे लूणे आने, वह गुरमुख प्यारे एक टप जी पाई जाते। दाला सब्जियां जिन्नियां आनियां एक पास ही पाई जानियां। जदों मैं संगत विच बह के प्रशादा छकिया, प्रशादे सी वड्डे वड्डे, उन्होंने वरताए, उन्हां उत्ते आ गया प्रशाद, कड़ा प्रशाद रलिया मिलिया सी विच। मैं देखा कि चीज़ है, विच ही कड़ा है, देग है, विच ही चौल है, विच ही मिठे आ, विच ही लूणे आ, सब कुछ। वह छक लिया प्रशाद उपर वाला, फिर दाले वाले ने उत्ते प्रशादिया के दाला पाता। बाबा आनंद सिंह जी ने कोई भांडा ही नहीं रखिया, बाहरों आता सी पकिया पकाया, कोई चुल्हा ही नहीं रखिया सी। आ के नाम का सौदा इत्थे किने खाण पीन च ही समान सारा कढ देन। बीबिया नूं पता है घर च किवें कम चलता है। तुहाडी रस घर विच गुरद्वारा भी बनाया हुंदा है, कईआं गुरमुखाने रसोई भी बनाई हुंदी है, ते बाथरूम ते मैं तां तुहानूं पता ही भी सारा ही जोर ला दिंदे। उन्ना सचखंड ते नहीं लाउंदे जिन्ना बाथरूम ते जोर ला दिंदे। रसोई रसाई ते रसोई दा सवेर तो लैके शाम तक खड़का दड़का बन बुनना बनना बंद नहीं हुंदा। बीबियां दस दिन जे बंद हुंदा तां गुरद्वारा जिहड़ा घर च बनाया ठाकुर द्वारा, उत्थे भावें सवेरे शाम ही 10 मिनट टली खड़के, ते इधर भांडे सारा दिन ही खड़कदे आ। उधर ठाकरां नूं भावें थोड़ा जिहा भोग लवाया होवे, खा तां आप ही जाणा है।
ते इधर छती पदार्थ चलते सारा दिन, उधर ठाकर भोग ही लाउंदे आ ते इधर भोग पींदे नहीं। किन्ना काम है ते बाबा जी दे घर प्रशादा आउंदा पक्या पकाया ते पंगत लग जांदी, लो भई दो दो प्रशादे हत्थां दी सब कुछ हत्थां दे छाके टूड़ी ते नलके ते पानी पी लेना। फिर आ गईयां बाटियां सिल्वर दियां, होंदियां सी थोड़ियां जिहियां चाह चू पीण वास्ते, किसी नूं भांडा मिलदा सी किसी नूं नहीं। गल सी नाम दी, मैं सन 75 विच संत नारायण हरी जी कोल गया, जदों बाबा जी ने मैनूं कहा सी जा ठंडे पहाड़ां चला जा, ते संत नारायण हरी जी ने वेख्या कोई चोले वाला नानकसर दा आया लगदा, उमड़ा तो छोटी सी पर मेरा दाड़ा दूड़ा फुब्बिया होया सी, उन्होंने कहा भी सानू मिलायो। जदों असी ना सवेरे उठ के गुरु साहब की सेवा करके फिर वो मंदिर चले जाते सी, उत्थे सारे पहाड़ियों नाल बह के मंदिर वाली जो पूजा है शिवजी के मंदिर में वो करते सी, फिर संगत में आण के आरती करते सी, फिर थोड़ा जिहा जल पानी छकते सी कमरे च। कहिंदे उस समय सानू मिलाया, मैं उन्हां कोल गया, मैनूं कहिंदे कित्थों, मैं कहिंदा नानकसर तों, कहिंदे असीं नानकसर गए सी ते उत्थे लंगर दी मर्यादा बहुत ढिली, कोई भांडा पानी नहीं देंदा, नाल कोई बाटी नहीं देंदा कोई किसे तरह, ते साडे वालों महापुरशां नूं बेनती करियो जाके कि हुण उदों च बाबा नंद सिंह वेले झुंगियां झोंपड़ियां सी, हुण तां महल बन गया, सारे सुख बन गया, ते लंगर दा भी थोड़ा जिहा कर दिओ। फिर मैं जाके बाबा जी नूं बेनती कीती सी जी महापुरशां ने सुनेहा दिता है कि लंगर दा भी थोड़ा जिहा वधिया प्रबंध करा दिओ। एक दो लंगरां च तां सानूं कहिण लगे जी बाबा जी प्रशादा वरत गया है, दो कहिंदे बाबा साहु सिंह दे लंगर हैगा, बाबा नारायण सिंह दे, बाबा कुंदन सिंह जी दे एक होर वड्डा लंगर है। एक थां तों आ के सानू प्रशादा मिलिया, उन्होंने कहा जी बह जाओ, बैठिया नूं प्रशादे दे उत्ते दाल सब्जी पा दित्ती, पानी भी असी उठ के पीता है। मैं कहा जी उत्थे काम ही इवें चलदा है, नाम दी वडियाई है, नाम दे वाली बाबा जी ने तां लिख के बोर्ड लाया भी साढ़े कोल प्रबंध ही नहीं इत्थे, आपदा घर का खा पी के आओ, जे लिया थोड़ा बहुत नाल ले आवो, इत्थे तां केवल नाम जपण दी टकसाल है। कीर्तन दे विच अमृत वेले सारी शामां नूं समझो रहण सवाई हो जांदी सी, शाम नूं 4-5 बजे कथा शुरू होई, जे 4 बजे कथा शुरू होई 5 बजे तक सियालां नूं 5 तों 6, 6:30 कीर्तन हो गया, 6:30 तो रह रास हो गई, 7 तों फिर कीर्तन हो गया, हुक्मनामा हो गया 8:30-9 बजे, फिर कल्ली ड्यूटी चल जाती सी बच्चियां दी, उन्हां 10:30 ताईं कीर्तन करना ही करना भावें सियाल भावें गर्मी। फिर निर्वाण कीर्तन वाले गुरमुख प्यारे आ जाते सी, 2 सुरां छड़ के उन्होंने 12:15 ताईं कीर्तन करना है, 12:15 बाबा जी दे इशनान दा समां हो जांदा बाबा आनंद सिंह दे, फिर वो कीर्तन समाप्त हो जाता, फिर बाबा आनंद सिंह जी समाधि ला के बह जाते हैं, तो फिर उस तो बाद सुखमणी साहब वाले गुरमुख प्यारे आण के 2 बजे सुखमणी शुरू करते, 3:30-3:30 बजे कीर्तन शुरू हो जाता, फिर दिन चढ़े तीन कीर्तन चलता, सारा दिन सुखमणी के पाठ चलते आ, केवल नाम ही है महापुरशां के कार्ज, नाम बीजदे आ, नाम वंडदे आ, नाम ही छकदे आ, नाम ही छकाउंदे आ, इह नाम तो वड्डी कोई चीज़ नहीं। गुरमुखां ने समां लाउणा सारिआं ने, आपां वी रल के लावांगे, ते नाम बीजिआ जांदा इत्थे बैठ के, जिन्ना आण के संगत विच ज़्यादा समां बैठोगे इउं जाओ जिवें बंदा क्लास च उठ के जांदा है, ओ की मैनूं तां पता नहीं की इशारे करदे हुंदे आ, जे जाणा होवे बाथरूम ते की इशारा करदे आ बच्चे, ओ फिर उवें ही चलदा टाइम, इत्थों भी माड़ा जिहा इशारा ही करके जाया करो भी मैं
ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਛੁੱਟੀ ਜੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਜਥਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਹ ਸੰਤ ਲੱਗਣਗੇ, ਆਹ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਦਰਬਾਰ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੋਰੀ 'ਚ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਇਹ ਆ ਸੋਭ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਭ ਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੋ ਤਖਤਮ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਏ, ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਮ ਹੀ ਦਿਸੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਚਾਨੀਆਂ ਚੰਦੋਏ ਲਾ ਕੇ, ਸਜਾਵਟਾਂ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਲਾ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂ, ਹਾਥੀ ਚੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੌਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੋੜੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਚਟਨੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਚੜਨੀ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦਵੂਈ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਦ ਸਪਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਹੇਜ਼ ਸੁਚਮ ਮਰਯਾਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਅੱਜ ਸੁੱਚ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਸੱਚ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੋ। ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਇਕੱਲਾ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਤਿਆ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਪਈ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਅਤੇ ਮਲੀਆ ਦਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਹੀ ਬਚਣੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਦੀ ਅਹੁਦ ਪੁੱਗੀ ਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ,
ते सारे माला फड़ लो, नाम जपण जपाउण लग जाओ। हुण कलयुग ने कोई चीज़ चलण नहीं देनी, कलयुग का जोर पै गया है, उन्हें चलण नहीं देनी। चलेगा तो रब का परमात्मा का नाम चलेगा, तो साड़ी गुरु साहब जी राखी करनगे, जिन कल राखी मेरी, कलयुग पियाण के इस कलयुग दे विच मेरी रख्या करनगे, ते गुरु साहब कलयुग नू तारनगे भी। साढ़े कोल साढ़े महापुरशां दियां, गुरुआं पीरां दियां, साढ़े महापुरख बाबा महानाम सिंह जी की लिखत पई है कि कलयुग दे विच सत युग वरतावांगे। आखो सी वो लिख के बंद करके वो सारा कुछ लिखा भी फलाने महापुरशां नू कहा भी इन सारियां लिखतां पीपे च पा के बंद कर दिओ, समा आए तो खुलणगियां। उन्दे विच लिखते कि कलयुग दे विच सत युग वरतावांगे, तो ये उन्होंने महापुरखां ने गुरु साहब ने भी कहा सी राज करेगा खालसा, ये भी सतयुगी है। धन गुरु नानक साहब ने भी कहा सी नानक निर्मल पंथ चलाया, निर्मल कहो कबीर जन पै खालसे। कबीर साहब ने भी कहा भी समा आएगा जरूर सतयुग वरतेगा, कलयुग का गुरु नानक साहब जी उधार करनगे। आखो श्री हुण कलयुग ही कोर कलयुग है, कलयुग है गंदा, उन्हें गंदगी पाई सारी, सारे पासे गंदगी, जेडे पीण वाले पानी उन्हां च भी आतानू किन्ना पानी, पहलों आपां कुछ करदे सी बिसलरी पानी जां होर पानी भी वेख के पीना पैंदा, खाणिया च किन्ना कुछ खराबियां ने, दुध दध पनीर पनूर सब कुछ माड़ियां चीज़ां जहर पा पा के कलयुग भेज रहा अपने घ्यो देसी घ्यो दे विच चर्बी, भयानक भयानक चीज़ां आपां सुणदे आ देखदे आ किन्नी गंदगी की कुछ सारियां इस पासे पै रहा है, किन्ना वास्ते आ इस साढ़े वास्ते कलयुग पा रहा है। सारे खाणिया ते पदार्थां दे विच खा लो फिर भाई खा लो, कलयुग ने जहर पा पा के रखे आ, तो की करांगे फिर, खावांगे तो बीमारियां लगनगियां। कलयुग दे पूरे चारे पासे पाणियां दे विच पदार्थां दे विच गुरद्वारियां च मंदरां च मसीतां च अपना काम फड़ाता है, जिहड़ियां पार्टियां भी बनिया हुई सी धर्म के नाँ ते, कोई सोसाइटियां जथेबंदियां भी उन्हां विच भी वड़ गया है, साधु संतां दे डेरियां विच भी वड़ गया है। पहले महापुरख सुनी दे सी एक थां ते कोई गल होई ते दूजे महापुरख उठ के दूजी थां बह के जंगल च दरख्त थले, असीं तां नाम जपना जपाउणा है, ते हुण तां फिर पूरा खड़का दड़का चलदा है, किसी भी थां ते कोई दूजे आउंदे आ ते एक वारी खड़का दड़का हुंदा ही। गुरु साहब चारे पासे कलयुग वरत्या है, सारे पासे वरत्या पाप सब से जग माही, कृपा करन गुरु नानक साहब जी आप हले बोल दो कीर्तन दे कथा दे सिमरन दे पाठ दे नाम जपण दे अमृत वेले उठन दे, ते हर चीज़ जिहड़ी खाणी है ना विचार के गंद खाण तो बचो, अन्न भी खाना है ना घट खा लो, आ बाजारा दियाँ चीज़ा जड़िया ना एवें बड़िया बुड़िया जी हुई गंद पिल जहा। अमृतसर तो हम तो शायद कृपा हो गई है, पहले तो बस जोर से ज़्यादा रेहड़िया चाटा चूटा का सब कुछ इतिहास भी आता है कि अमृतसर से बड़ा कुछ चलता है, पसंद करते हैं, इस करके आप हूँ इन तो पछना पैना, आपका नाम जपद्या हो खाना तैयार करो, घर च सुख शांति वरतेगी। आ कि सतयुग बनया रहा, सारे पासे चारे पासे पहरे लगे होंगे, फिर मां संपड़ पाठ होंगे, गुरु साहब कृपा करते पाठ निर्विघनता सहित समाप्त होए। पाठी सिंह बाहर आए, भाजी ने सारे पाठी सिंह जी आए आख्या, तो जरूर सारे आप नाम तो पहरा दे दिए बाणी ते सिमरन ते, हुण होर कोई चारा रह नहीं गया, तो गुरु साहब की अड़ीक करिए कि महाराज हुण तुसी करोगे जो कुछ करना, असी तो हार गए,
हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बद विकासी तो सब बाल आला के हार गया होना आप ही कृपा करो कोई मेहर बरताओ ते कोई बख्शिश बरताओ सारिया संगता नाम जपो बाणी पढ़ो कीर्तन करो कथा करो गुरु साहब कृपा करनगे ये कीर्तन दे नाल नाम दे नाल पाठां दे नाल तां ही ये सारा बोझ हड़का होना है जड़ा पापां दा बोझ धरती दे पै गया है पृथ्वी ये पापां दे बोझ नाल भारी हो गई अपना दर्द दुख पकारा वो निर्विकार नानक विष्णु की तार मूर्त नाम और कीर्तन से पृथ्वी का बोझ उतारा जदो बहुत पापा नाल दुखी होगी ये धरती फिर इन्हें निरंकार दे कोल जाके अपना दर्द पकारिया उन्होंने या फिर कीर्तन ते नाम दा पहरा दिता ते महापुरश बनाए बाबा आनंद सिंह जी बाबा अतर सिंह जी वड़े वड़े महापुरश कमाइया वाले उन्होंने फिर सब पासे संभाले ने किसी ने कार सेवा संभाल ली किसी ने विद्या पढ़ाउन दी कोई सेवा पंथी बन गई कोई जथेबंदियां निहंग सिंह बन गया कोई नानकसर कलेर वाले राड़ा साहब वाले महापुरश सारे पासे महापुरख महापुरख आ गए ते सतगुर कृपा करन महापुरशां दी मैनूं बड़ी वधिया गल लगी रंधावे वाले संतां ने महापुरखां दे भोग ते गया कहिंदे 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 तूं भी महाराज तुसीं साधुआं नूं लई तां जांदे जे कमाई वालियां नूं ते भेजो भी कहिंदे साडे देखदिआं देखदिआं बड़े कमाइयां वाले साधु जिन्हां दे असीं अंतम समें ते जा के आए हां नानकसर संपर्दा चो राड़ा साहिब दी पिंडरां दी टकसाल दे विचों निहंग सिंह जथेबंदियां बड़े बड़े कमाइयां वाले महापुरख जिहड़े तुरदे जा रहे ने ते सानूं तां एवें लगदा वी रब्बा तेरी नीयत बिगड़ गई हुण तूं सारे कमाइयां वाले बुलाई जा रहे ते भेज रहा नहीं कोई दिस नहीं रहा इस करके कृपा कर जे सददा भी है तो भेज भी जग विच ठंड वरते महापुरश आउण कमाइया वाले एहो जे बरकत साधु संत महात्मा आउण जन्म तो तपस्वी जेड़े आण के संसार विच ठंड वरता दिन बेशक तू सदला इन्हां नूं तेरे तेनू लोड़ है तू कित्थे कित्थे भेजने आ पर भेज भी जरूर है इस धरती ते पाप ज़्यादा हो गया शायद उह धरतियां तां बहुत ने दुनिया का बहुत पता नहीं किहड़ियां धरतियां ते तू भेजी जाना है सा कमाई वाले साधुआं नूं इधर भी भेज इधर हनेरा हुंदा जा रहा है इस करके महापुरशां दे नाम जपण जपाउण वाले ही थमदे आ यही संसार विच आण के भला करदे आ जग दा भला हुंदा है ते आओ जथियां दे कोलों पंज पंज मिंट दीआं हाजरियां सरवण कर लो सारे जिन्ने भी प्रसंगत विच बैठिया करो जरूर इधर उधर ज़्यादा ना समा लाया करो खाण पीन ते इधर उधर जदों आप गुरु घर वास्ते आ गए ना फिर गुरु नूं सौंप दिओ समा फिर सब तो वड्डा नाम ही गुरु साहब दे चरणां 'च बह जाया करो माला पढ़ के कीर्तन सुन लो भगती करो गुरु साहब दे चरणां 'च ध्यान लाओ कागरता करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।